सौ बात की एक बात, क्या भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी? सौ बात की एक बात, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के करिश्माएं उनकी लोकप्रियता का मुकाबला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कर पाएंगे? यही सवाल है और इसके अलावा कुछ नहीं। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता है। कांग्रेस के पास एक और मौका था पार्टी के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन करने का, मगर मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी एक बार फिर उससे चूक गई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चिंतन शिविर के अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस और जनता के बीच का संपर्क टूट गया है और हमें उसे फिर से साधना है, और इसके लिए ऐलान किया गया है कि कांग्रेस अब पदयात्राएं निकालेगी। तो मेरा सीधा सा सवाल, कांग्रेस अगर पदयात्राएं निकालना चाहती है तो अक्टूबर से क्यों या अगस्त से क्यों, अभी से क्यों नहीं? क्या इसलिए क्योंकि अभी तापमान 45 डिग्री से ज्यादा है? अरे भाई, इस वक्त कांग्रेस की हालात उस प्रेशर कुकर की तरह है जो कभी भी फट सकता है। हालांकि फटेगा नहीं, क्योंकि दिक्कत क्या है, फटने के लिए भी इंसान के अंदर ऊर्जा होनी चाहिए और वो इस वक्त कांग्रेस के नेताओं में नदारद है। कल कई बातें राहुल गांधी ने साफ गोही से कही, मगर आज मैं न्यूज चक्र पर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि क्या वाकई कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी भाजपा से, नंबर एक। और वो मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि भारत कम से कम नाम के लिए एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुत जरूरी हो जाता है कि एक राष्ट्रीय विकल्प जनता के सामने मौजूद हो और वो राष्ट्रीय विकल्प अपना काम जिम्मेदारी से निभाए। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो मजबूत विकल्प हो और वो चुनौती दे एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी यानी भाजपा को जो तमाम संस्थाओं को रौंद रही है, प्रेस को रौंद चुकी है, उसके सामने तमाम संस्थाएं जो है वो नतमस्तक हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जनता के सामने एक विकल्प मौजूद हो। कल राहुल गांधी ने कई बातें कही और मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले राहुल गांधी ने बहुत सावगोही से कहा कि कांग्रेस का फोकस इंटरनली है, यानी आंतरिक तौर पर उसका फोकस है। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे क्या पद मिले, मुझे वो पद मिले या ना मिले। ये बात बहुत सावगोही से राहुल ने कही और उन्होंने कहा कि हमारा फोकस जो है अंदर नहीं बल्कि बाहर देश की समस्याओं के प्रति होना चाहिए। सुनिए राहुल ने क्या कहा, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। आज के समय में इंटरनल फोकस से हमारा काम नहीं होने वाला है, हमारा फोकस एक्सटर्नल फोकस होना पड़ेगा। जनता की ओर हमें देखना पड़ेगा, जनता के पास हमें जाना पड़ेगा, और सिर्फ हमारे लिए नहीं देश के लिए हमें जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए। दिक्कत यही तो है राहुल जी कि आपके तमाम नेताओं का फोकस खुद पर है। हर कोई पद चाहता है और जिसे पद नहीं मिलता है वो पार्टी छोड़कर भाग जाता है। यही है इनकी वफादारी कांग्रेस की नीतियों के प्रति, यही दुर्भाग्य है देश के लिए जो राष्ट्रीय विकल्प है कांग्रेस के रूप में। यही नहीं, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि हमारा कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया है और उस कनेक्शन को हमें फिर से साधना है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उनको समझना चाहिए, और जो हमारा पहले उनके जनता के साथ कनेक्शन होता था, जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस कनेक्शन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा, और जनता चाहती है। बिल्कुल, और वो कनेक्शन आपको फिर से जोड़ना होगा, उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। मगर मेरा सीधा सवाल कि उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए जो उम्मीदें की जा रही थी उदयपुर के चिंतन शिविर से, क्या उस उम्मीद पर कांग्रेस खरी उतरी? क्या आपने वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए? अभी तो ये भी तय नहीं है राहुल जी कि आप पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उस जिम्मेदारी को संभालने को तैयार हैं या नहीं, या फिर यह जिम्मेदारी आप पार्टी के किसी और नेता को देने को तैयार हैं या नहीं। ये तमाम प्रश्न हैं जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं, आप उनसे नहीं बच सकते। और बात वहां नहीं रुकती, राहुल ये कहते हैं कि एक ऐसी पार्टी है
जहां सीनियर्स के मुंह पर लोग कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर क्या कमियां हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। मैं हर कांग्रेस के नेता की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, ये एक परिवार है और मैं आपके परिवार का हूं। Which other political party in this country would allow this type of a conversation? A conversation where the senior most leadership, without holding back, without any hesitation, is bluntly told what the Congress party feels. I was thinking to myself, certainly the RSS and the BJP would never allow such a thing. This party's DNA is a conversation between the people of this country. This party has always provided a platform for a conversation, a platform where people can speak without fear, without worry. And that is what this party continues to do. मगर राहुल जी, अब भी पार्टी के अंदर आपसे कोई नहीं कह रहा कि आपकी या प्रियंका गांधी वाड्रा की क्या भूमिका पार्टी के अंदर होनी चाहिए। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बेशुमार ताकत बगैर जिम्मेदारी के, ये फॉर्मूला अब नहीं चलने वाला है। जवाबदेही तय होनी होगी और खासकर उन लोगों पर जिनके कंधे, जिनके करिश्मे पर पार्टी अब तक आगे आई है और आगे भी चलती रहेगी। दिक्कत क्या है दोस्तों, कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि गांधी परिवार किसी अन्य नेता पर अपना विश्वास नहीं जतलाएगा। पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो किसी अन्य नेता पर अपना विश्वास नहीं जो है वो जतलाएंगे। नतीजा वही ढाक के तीन पात, नतीजा पार्टी के अंदर उसी तरह से गतिरोध बना हुआ है। राहुल ये भी कहते हैं कि मैं सड़क पर उतरूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरता हूं क्योंकि मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। ये तमाम बातें अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत सही है, मगर मैं ये समझना चाहता हूं कि इसको लेकर पार्टी के पास क्या ब्लूप्रिंट है। सुनिए राहुल ने क्या कहा। जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, एक रुपया नहीं लिया है, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे ये देश के भविष्य की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। हम सड़क पे उतरेंगे और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जैसे कांग्रेसी लड़ते हैं, पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। मैं राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप कुछ राज्यों पर निगाह डालें, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर। मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार बन गई थी, मगर फिर आपके तमाम कांग्रेसी विधायकों ने पलटी मारी, जिनका नेतृत्व एक ऐसे आदमी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया और उस आदमी ने, जो एक अरसे से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, उसने छलांग मार दी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। गोवा में पिछली बार आपके पास सबसे ज्यादा विधायक थे, सरकार किसने बनाई? भाजपा ने बनाई। एक सोच बन चुकी है कि कांग्रेस के नेताओं की कोई विचारधारा नहीं होती, उनके सामने किसी ने थोड़ा सा लालच दिया और वो पलटी मार लेते हैं। और आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है और क्षेत्रीय दलों की बस की बात नहीं है। कुछ चेहरों पर गौर कीजिए। केरल से पिनरई विजयन दूसरी बार जीत कर आए हैं, जबकि कांग्रेस को जीतना चाहिए था क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। बात यहां नहीं रुकी, आप वायनाड से सांसद भी हैं, बावजूद उसके वहां पर कांग्रेस नहीं जीती, वामपंथी दल फिर से जीत गए। पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। मुझे बताइए ना, ममता बनर्जी ने जो मुकाबला किया भाजपा के साथ और जो शानदार जीत दर्ज की, कांग्रेस की तो बदतर हालत है पश्चिम बंगाल के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अखिलेश ने एक बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी। मैं बार बार कह रहा था कि उनका जीतना नामुमकिन है, एक करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि व्यवस्था उनके खिलाफ थी, मगर कम से कम उन्होंने मुकाबला किया। आप ये कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें, दिल्ली जहां शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री थी,
वहां दो बार लगातार दो चुनावों में आपका आंकड़ा शून्य है, आपका सूपड़ा साफ हो गया है। आपके पास अजय माकन, अरविंदर लवली, हारून यूसुफ जैसे नेता हैं, बावजूद इसके पार्टी दिल्ली में कुछ नहीं कर पा रही। इन तमाम सवालात से क्या राहुल गांधी बच सकते हैं? और आइए अब बात करते हैं कांग्रेसी विचारधारा की, कुछ चेहरों पर गौर कीजिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसादा, इन तमाम चेहरों पर गौर कीजिए। ये तमाम चेहरे कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे, मगर जब पद छिन गया या पद नहीं मिला तो इन्होंने छलांग मारी और बीजेपी में शामिल हो गए या बीजेपी को साथ देने लगे। आरपीएन सिंह, एक लंबा इतिहास रहा इनका कांग्रेस के साथ और ये भी बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में कांग्रेस को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि क्या कांग्रेसी विचारधारा नाम की कोई चीज है? यहां तो थोड़ा सा लालच होता है और तमाम विधायक जो हैं वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। बड़े बड़े नेता जिनका नाम अभी अभी मैंने लिया वो शामिल हो जाते हैं बीजेपी के अंदर। इसलिए मैं लगातार कह रहा हूं दोस्तों, ये मुकाबला बहुत मुश्किल है। कांग्रेस के सामने बेतहाशा चुनौतियां हैं और मैं नहीं जानता हूं दोस्तों कि इस चुनौती को वो पार पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। क्योंकि अगर वो इस चुनौती का सामना नहीं कर सकते तो इसके दो परिणाम होने वाले हैं। पहली बात, राष्ट्रीय विकल्प के ना होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार की मनमानी जारी रहेगी और दूसरी तरफ एक दूसरे राष्ट्रीय विकल्प की खोज जनता शुरू कर देगी, मगर उसमें वक्त लग जाएगा। उसमें कई चेहरे सामने हैं, कई चेहरे सामने हैं। मसलन ममता बनर्जी, उनकी प्रधानमंत्री पद को लेकर महत्वाकांक्षाएं। केसीआर, टीआरएस के केसीआर, तेलंगाना के सीएम, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतने के बाद और साल के अंत में गुजरात और हिमाचल में जो चुनाव होने वाले हैं उनके अंदर वो पूरी और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। केरल, कर्नाटक, हर जगह आम आदमी पार्टी दखल दे रही है। ऐसे में कांग्रेस जो है खामोश नहीं बैठ सकती और अगर बैठना चाहती है तो नतीजा आपके सामने है। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।